Hi everyone, my name is Priya Dogra and आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Google Summer Internship 2021 के बारे में. काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है उन लोगों के लिए जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, मतलब एब्सोल्युटली फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी निकल के आई है. आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स देखने वाले हैं किस तरह की इंटर्नशिप प्रोग्राम है और जो कि गूगल की तरफ से आपको प्रोवाइड की जा रही है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आपकी जॉब रोल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, कैसे आपने अप्लाई करना है, सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Before starting the video, I would like to request all my viewers, if you're new to my channel, then please go and subscribe to it. And don't forget to hit the bell icon so that you never miss an update. Also, I'm active on my Telegram channel, so if you want to ask me anything related to free courses, certification or anything related to your career, then you can join me there. अब हम देख लेते हैं आज की हमारी जॉब इंटर्नशिप जो कि आपको गूगल की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, विच इज़ योर समर इंटर्नशिप. सो वो किस तरह की, कैसे कैसे है, उसकी डिटेल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, मेरे ब्लॉग में. जी हाँ, वहाँ पे मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है इस समर इंटर्नशिप से रिलेटेड. सो बात करते हैं सबसे पहले जॉब लोकेशन की. सो जॉब लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेंगलुरु, कर्नाटका, हैदराबाद एंड तेलंगाना. सो ये चार आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है. मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो लोग जो कि अभी अपनी बैचलर डिग्री कर रहे हैं इन IT, इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड टू एनी टेक्निकल फील्ड, सो वो यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं. या करंटली जो कि अपने पेनल्टीमेट ईयर ऑफ स्टडी में है, वो भी यहाँ पे आपके पास जो है इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रहने वाली है. आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस मांगा गया है इन वन और मोर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. सो आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि ये टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड जो है वो ओपनिंग है. आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, जावा, C++, पाइथन. सो ये एक ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि आपको आनी ही चाहिए. और साथ ही में अगर आपने इन्हीं लैंग्वेजेस में कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह अगर आपने बिल्ड किए हैं सो वो भी आप अपने CV में ज़रूर इंक्लूड कर लीजिए, बिकॉज आपके शॉर्ट लिस्टिंग होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस इसमें इंक्लूड किया हो. सो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे टिप देना चाहूँगी कि आपको क्या करना है जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे. सो आपको यहाँ पे जावा, C++ या प्रोग्रामिंग आपको यहाँ पे जो पाइथन की पूछी गई है, सो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं. अगर आपने इसमें प्रोजेक्ट्स बनाया होगा तो वो एक स्टार मार्क हो जाएगा. आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस इन सिस्टम सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम एज वेल एज इन SQL, स्प्रिंग, हाइबरनेट, वेब सर्विसेज, सोप, जावास्क्रिप्ट. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी चीज़ें यहाँ पे मांगी गई हैं. सो इन सिस्टम सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम्स में भी आपका जो है वो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए. अवेलेबल टू वर्क फुल टाइम फॉर 12 to 14 weeks ड्यूरिंग द समर. सो ये आपके पास जो है यहाँ पे टेन्योर दिया गया है, आपकी समर इंटर्नशिप रहने वाली है 12 to 14 weeks की और आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा फुल टाइम. अब बात करते हैं रिटर्निंग टू अ डिग्री प्रोग्राम आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप. सो ये आपको बेसिकली मैंने बता दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर वालों के लिए ही ये जॉब इंटर्नशिप निकल के आई है. तो जॉब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, सो एज एन एप्लीकेशन इंजीनियरिंग इंटर्न आपको यहाँ पे पता होना चाहिए किस तरह से आपने गूगल के इंटरनल बिजनेस एप्लीकेशन को डिवेल्प करना है, डिप्लॉय करना है, कैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं. ये बेसिकली एक टेक्निकल फील्ड की इंटर्नशिप है और आपको यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ टीम काम करना पड़ेगा जो कि बिल्ड करते हैं सॉफ्टवेयर्स, किस तरह से कस्टमाइज करना है, इंटीग्रेट करना है इंटरनल सिस्टम. सो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टास्क वगैरह मिलते रहेंगे. सो इतना सा आपका यहाँ पे जो है वो जॉब रोल रहने वाला है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको हेल्प करना है डे टू डे चैलेंजेस बाय डिलीवरिंग इनोवेटिव एंड स्केलेबल सोल्यूशन एंड ट्रबल शूटिंग द प्रॉब्लम्स. सो ये टेक्निकल फील्ड की इंटर्नशिप है, इतना तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपके पास जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे टेक्निकल डिज़ाइन, सोल्यूशन डिवेलपमेंट, देन सिस्टम कॉन्फिग्रेशन, टेस्ट एग्जीक्यूशन क्या होता है, इशू आइडेंटिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन. सो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में लिखी हुई हैं. मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आपको आती हैं. और मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी, जो शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ योर CV और रिज्यूमे. तो आपको अपना CV और रिज्यूमे इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है ताकि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए. सो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा. अब बात करते हैं कि कैसे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं. नीचे आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ का आपके पास बटन दिया गया है. आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगी. आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो इस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल्स दी गई है. एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, प्लीज़ कंप्लीट योर एप्लीकेशन बिफोर December 8, 2020, बिकॉज December 8, 2020 के बाद आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे फिल आउट नहीं कर सकते हैं.
सो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे आपके पास जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली अबाउट द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लोकेशंस मैंने आपको बता दी है. बस आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कीजिए. जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे यहाँ पे आपके पास जो है एप्लीकेशन इंजीनियरिंग इंटर्न समर 2021 की जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है आपका. आपको अपना रिज्यूमे यहाँ पे एंटर करना है. कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे पूछी गई है, एड्रेस, कंट्री, रीजन, स्टेट, पोस्टल कोड, ईमेल एड्रेस, ये आपको एंटर करना पड़ेगा. अगर आपके पास कोई और ईमेल आईडी है वो भी आप एंटर कर सकते हैं या फ़ोन नंबर है. हायर एजुकेशन आपसे पूछी गई है, आप यहाँ पे अपना स्कूल, डिग्री, डिग्री स्टेटस, मेजर एरिया ऑफ स्टडी एंड योर कंट्री आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं. वर्क एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं, अगर आपकी फर्स्ट जॉब है सो यस कर दीजिए, नहीं है नो आप कर सकते हैं. एम्प्लॉयर नेम आपको देना पड़ेगा, जॉब टाइटल देना और स्टार्ट डेट आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी. या अगर आपकी ये करंट जॉब है सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंट्री, रीजन, सिटी, स्टेट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. लास्ट में आपको यहाँ पे अपना कवर लेटर भी मेंशन करना पड़ेगा. कवर लेटर मेंशन करने के बाद आप नेक्स्ट पे इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं. एंड आपके पास यहाँ पे मैंने डेट बता दी, 8 दिसंबर से पहले पहले आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे ज़रूर सबमिट कर दीजिए. ये मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि 8 दिसंबर से पहले पहले आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे ज़रूर सबमिट कर दीजिएगा. सो ये रही इस इंटर्नशिप की कंप्लीट डिटेल, किस तरह की इंटर्नशिप है, क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जा रही है, कैसे आपने अप्लाई करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है. इनकेस अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है आप मेरे इस ब्लॉग में विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे थरली आपके पास जो है हर एक चीज़ बताई गई है. अगर आपको वीडियो पसंद आती है सो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, बिकॉज ये उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. ऑल्सो आई एम एक्टिव ऑन माई टेलीग्राम एंड माई व्हाट्सएप. सो आप चाहें, आप अगर इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ या फ्री कोर्सेज, सर्टिफिकेशन के बारे में पूछना चाहते हैं सो आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं. इधर आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स में भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.